अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सुहेब, हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो हमारी है पीवीसी वॉल पैनल के बारे में। ये भाई जान की शॉप है पीवीसी वॉल पैनल और वॉलपेपर के मुतालिक। इस भाई से पीवीसी वॉल पैनल के मुतालिक मुकम्मल मालूमात लेते हैं कि इसकी प्राइस क्या है और इसके फायदे क्या है। तो चले स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये आता रहो ठीक है। ये सीपट पर रोकने के लिए ज्यादा आसमान होती है। ये सारे जो डिजाइन लगे इनकी प्राइस क्या है, एक पैनल कितने का मिलता है, उसकी हाइट क्या और चढ़ाई क्या होती है। ये सारे 9 फुट का पैनल है और 10 इंच की चौड़ाई है और एक पैनल की प्राइस जो है वो 290 रुपये है। 290 रुपये में आप फिट करके देंगे या फिर फिटे लगे ना हो? 50 रुपये पर पैनल फिटिंग चार्जेस होते हैं। इसके अलावा इसका एक गोला लगता है, उसके चार्जेस होते हैं 100 रुपये का एक गोला चार्ज होता है। ठीक होगा। और इसके अलावा पीवीसी वॉल पैनल के कई जो सारे डिजाइन लगे हुए हैं उस तरफ भी लगे हुए हैं, इन सब की प्राइस के बारे में सेम है? जी, इन सब की प्राइस सेम है, सारे एक ही रेट में मिलते हैं। ठीक हो रहा है। पाकिस्तान में तैयार हो रहे हैं, लोकल कंपनी है, यानी कि पाकिस्तान में तैयार हो रही है, इम्पोर्टेड इसमें नहीं आता, सारा यहीं पर तैयार हो। तो एक कमरे में तकरीबन जो नॉर्मल साइज का कमरा होता है, एक कमरे में इसका कितना खर्चा आ जाता है? लोग अक्सर पूछते हैं एक कमरे का कितना खर्चा आ जाएगा। तकरीबन 12x15 का रूम है ना जी, उसमें तकरीबन खर्चा आता है 22 से 25 हज़ार के दरमियान, मुकम्मल फिटिंग के साथ। ठीक हो गया। और ये लाहौर के अंदर और अन्य शहर में आए, यानी कि लाहौर में कहीं भी अगर करवाते हैं तो क्योंकि इसमें ले जाने का जो है रेंट भी पड़ता है। ठीक हो गया। ट्रांसपोर्ट का ज़्यादातर इशू आता है, जो शहर के शहरों में काम करने के लिए लेने के लिए थोड़े पैसे ज़्यादा पड़ जाते हैं जी। तो भाई तकरीबन एक कमरे पे आपका 22 से 25 हज़ार रुपये खर्चा आ जाएगा और उसमें पैनल्स भी इनके होंगे, लेबर वगैरह कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट मिला के टोटल जो लाहौर में खर्चा आएगा पीवीसी वॉल पैनल लगवाने का, वो एक रूम का 25 से 25 हज़ार तक खर्चा आएगा। अगर आप लाहौर से बाहर कहीं काम करवाते हैं तो उसका आने जाने का खर्चा बढ़ जाता है, तो वो फिर आप लोगों को कॉस्टली पड़ेगा। इसके अलावा भाई मुझे बताएं कि पीवीसी वॉल पैनल के डिजाइन के बारे में कुछ बताएं कि ज्यादातर डिजाइन इसके कौन से चलते हैं? डिजाइन सारे ही चलते हैं, वो कमरे में कलर स्कीम के हिसाब से कोई भी डिजाइन लेके लगाएं। इसके ऊपर बॉर्डर कौन सा रखा है? जी, गोला इसके हिसाब से ऊपर पड़ेगा डिजाइन, ये शीट लगी हुई है, इसका सेम गोला ऊपर लगा हुआ है, इस चीज का बिल्कुल सेम गोला है। ठीक होगा। हाँ जी, इसके अलावा पीवीसी में भी गोले आते हैं, वो ये चीज आ जाती है, अगर थोड़ा फैंसी काम करवाना चाहे तो ये गोले होते हैं, ये अलग से परचेज करके लगवाने पड़ते हैं, ये भी लग जाते हैं। सही है। साइडों पे ऊपर और सेंटर में भी अगर लगाना चाहे तो लग जाते हैं। इसके अलावा आप हमें ये ब्लाइंडर्स इनके बारे में कुछ बता दें कि इनकी क्या प्राइसेस है और ये जी किस हिसाब से होते हैं? ब्लाइंडर जरा इधर इस पे फोकस कीजिएगा, ये ब्लाइंड है जी, ये बिल्कुल जो है ना ब्लाइंड है, धूप को रोक देता है, जो खत्म कर देता है। ठीक है। और ये ब्लाइंड है और नॉर्मल 36 फुट का जो है 6x6 का जो ब्लाइंड है, इसे रोलर वेबरा रोलर सिस्टम कहते हैं और इस ब्लाइंड की कीमत होती है जी 10 से 11 हज़ार रुपये, मुकम्मल फिटिंग के साथ ही आता है। ठीक हो गया। इसके अलावा ये दोस्तों के लिए होता है जी वर्टिकल ब्लाइंड, ये भी 100 से 150 स्क्वायर फिट पड़ता है और ये आ जाता है, ये भी रोलर है, ये 80 रुपये पर स्क्वायर फिट पड़ता है। इसके अलावा ये मिनी ब्लाइंड है, मिनी ब्लाइंड जो है ये किचन वाशरूम के लिए इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, ये पड़ता है जी 160 रुपये पर स्क्वायर फिट। ठीक। फिर आगे ज़ेब्रा ब्लाइंड आ जाता है जी, जो ज़ेब्रा ब्लाइंड है ये चार्ज होता है जी 290 रुपये और वुडन की जो है वो भी 290 रुपये चार्ज होता है। ये सारा जो है इसका इम्पोर्टेड है, लोकल इसमें कोई भी नहीं है जी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो पीवीसी वॉल पैनल और ब्लाइंडर्स के मुताबिक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और बाइक से शॉप का आपको व्यू दिखा देता हूँ और बाइक से अगर आप कॉन्टैक्ट करते हैं, लाहौर में काम करवाना चाहते हैं तो आप बाइक से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अदा हाफिज़।